नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टॉप इन्फो हिंदी में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आप जो चैनल बनाते हो, चैनल नेम आइडिया आप कैसे सोच सकते हो, क्या चैनल नेम होना चाहिए। और इसमें आपको मैं दो वेबसाइट के बारे में भी बताऊंगा जिसके माध्यम से क्या कर सकते हो कि आप अपना जो चैनल है उसका नेम को यूनिक बना सकते हो। यूनिक आइडिया आपको मिलेगा जिस कैटेगरी के टॉपिक के हिसाब से है, आपको बस आपकी कैटेगरी सर्च करना है और आपको उस नाम से रिलेटेड आपको मतलब जो यूनिक है वो आपको बताएगा। ऐसी दो वेबसाइट बताऊंगा और साथ ही ये भी बताएगा आपको कि ये अभी हाल इस नाम से फेसबुक या ट्विटर या कोई अकाउंट बना है या नहीं बना है इस आईडी से। तो उस हिसाब से आपको अच्छा रहेगा, कंफर्म रहेगा, क्योंकि आप अगर चैनल नाम भी अच्छा सा यूनिक निकाल लोगे पर आपको वहाँ पे दिक्कत आएगी कि आपका फेसबुक पेज नहीं मिल पाएगा उस नाम से या ट्विटर नहीं मिल पाएगा, जितने भी जो सोशल मीडिया के जो लिंक होने मतलब वहाँ पे आप उसको क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं यहाँ पर फटाफट। इसके लिए आपको सबसे पहले आपको अपने गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले क्या है कि आप चाहते हो कि नाम मतलब बेस्ट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। सबसे पहले आप नाम पसंद कर लीजिए और सबसे पहले आपको कैटेगरी पसंद करना है। कैटेगरी पसंद कर लेने के बाद आपको एक वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये वेबसाइट है, यहाँ पे breadbookit.com है ना, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और यहाँ स्क्रीन पर भी आप सर्च कर सकते हो और यहाँ पे देख सकते हो क्या है breadbookit.com। आपको सिंपल ये याद रखना है और उसको सर्च करना है, ऐसा पेज आपके सामने एक ओपन हो जाएगा है ना। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, आप यहाँ पे से कोई सी भी कैटेगरी के मतलब यूनिक नाम पता कर सकते हो। यहाँ शॉर्ट मिल जाएगा, कैची नेम मिल जाएगा, फुल नेम, प्रीमियम नेम, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, एक आइडिया मिल जाएगा। सबसे पहले आपको कैटेगरी पसंद कर लेना है। जैसे मान लीजिए आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो टेक्नोलॉजी का टेक कैटेगरी आपको यहाँ पे सर्च कर देना है और यहाँ पे क्या कर देना है, एंटर कर देना है। आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे मतलब नेम मिल जाएंगे टेक से रिलेटेड है ना। यहाँ पे देखोगे आप तो आपको टेक से रिलेटेड यहाँ पर शॉर्ट नेम कर रखा है मैंने फिलहाल है ना, क्योंकि मैं इसको यूज करते रहता हूँ। तो यहाँ पे शॉर्ट में इसने ये बता दिया टेक का, आप इसको हटा कर क्या कर सकते हो, यहाँ से आप ऑल पर मैं अभी क्लिक कर देता हूँ तो सारे जितने भी नेम है वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कोई सा भी नेम ले सकते हो। देख सकते हो ये सारे आपको टेक से रिलेटेड इसने यूनिक मतलब टोटल नाम दे दिए है ना, और बहुत सारे नाम है, कितने नाम दे दिए इसने यहाँ पे आपको 4032 रिजल्ट दे दिए इसने। यहाँ से आप कोई सा भी नाम पसंद करके ले सकते हो, यहाँ पे कुछ भी मिल जाएगा। आपकी कोई भी कैटेगरी हो तो वो सर्च करना है आपको और यहाँ देख सकते हो इतने पेजेस के और यहाँ पे से आप पता कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे तो इसी से रिलेटेड टेक्नोलॉजी हो गया, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो गया, अगर आपका चैनल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है टोटल स्पेशल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नाम देख सकते हो, वेब हो गया, यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। एप्लीकेशन से रिलेटेड, डिजाइन से रिलेटेड ये हो गया है। यहाँ पे आप चाहो आपका हेल्थ से रिलेटेड है तो हेल्थ टाइप कर देना है ना, तो हेल्थ से रिलेटेड मिल जाएगा। जो भी आपकी कैटेगरी फन से, फनी से, मतलब जो भी है यहाँ पे आपको सर्च करना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या कर देना है, जैसे आप चाहते हो कि नाम आपका कैची होना चाहिए, कैची नेम होना चाहिए, शॉर्ट नेम, कैची नेम, ठीक है, नेवर, यहाँ पे क्लासिक, इलेक्ट्रिक, मतलब सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है, आपके हिसाब से आप पसंद कर सकते हो। जैसे मैं कैची पर क्लिक करता हूँ तो जो नाम है वो कैची नेम हो जाएगा, यूनिक नेम बन जाएगा। यूनिक नेम बनाना हो आप तो इस टाइप से जैसे कोई सा भी नाम पसंद कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ नाम मिल जाएगा अलग से है ना, मतलब ये नाम मिल जाएगा, यूनिक नेम है ये, तो ये इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कोई सा भी नाम सिलेक्ट कर सकते हो है ना। लोगो का आइडिया भी ले सकते हो यहाँ से आप, आपका लोगो भी कैसे बनाए है ना, तो ये चीज आपको यहाँ मिल जाएगी। ये कैची नेम हो गया। अब आप चाहते हो जैसे मान लीजिए आपने एक नाम पसंद कर लिया है यहाँ से कोई सा भी है ना, फिलहाल में समझ लेते हैं यहाँ पे ये बोझलो, ये समझ लीजिए एक नाम हमने ले लिया। अब आप इसको चेक कैसे करना है कि ये नाम क्या यूट्यूब अकाउंट या फेसबुक अकाउंट या है कि नहीं, तो उसके लिए आपको कर लेना क्या है कि आपको ये नाम ले लेना है और नाम लेने के बाद आपको कर लेना क्या है, आपको सिंपल चले आना है कहाँ पर, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो namecheck.com आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी है ना। यहाँ देख सकते हो स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगा लिखा हुआ namecheck.com, क्या है नाम की तो स्पेलिंग सेम ही है, बस CHK है और .com है, आपको बस ये याद रखना है और एक ऐसा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या होगा, आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको सोशल मीडिया से रिलेटेड पता चल जाएगा कि इसके नाम का अकाउंट है कि नहीं है, या फिर आपको क्या है यहाँ पे डोमेन भी पता चल जाएगा कि इसका नाम का डोमेन है कि नहीं अवेलेबल .com .in ये ., मतलब सारे ., से रिलेटेड आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो फिलहाल क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसको सर्च कर लेते हैं जो भी हमने नाम पसंद करा था, जैसे मान लीजिए बोझलो, हमने समझ लीजिए एक नाम को हम ट्राई कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते बोझ और हम यहाँ पर सर्च कर देते हैं। तो हम अगर यहाँ पे सर्च करते हैं तो यहाँ पे हम देख लेते हैं किसके नाम से मतलब डोमेन अवेलेबल है या फिर सोशल मीडिया लिंक से रिलेटेड यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। आपको सिंपल क्या कर देना है, बस यहाँ सर्च पर क्लिक कर देना, थोड़ा सा ये टाइम लेता है और पता करने में, और उसके बाद आपको ये क्या है बता देगा।
थोड़ा सा टाइम लेगा। और यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे यूट्यूब चैनल इसके नाम से नहीं है, ये जो ग्रीन ग्रीन है ये सारे क्या है कि मतलब अवेलेबल है ना, ये ग्रीन है यानी सब अवेलेबल है। फेसबुक पेज बना हुआ है इसके नाम से, और यहाँ देख सकते हो ट्विटर इंस्टाग्राम ब्लॉगर ये सारे बन चुके हैं, बस जो ग्रीन है वो अभी बाकी है। तो इस टाइप से क्या है कि आप अपना आइडिया ले सकते हो। उसके बाद डॉट कॉम बना हुआ है, डॉट नेट लिया हुआ है, डॉट कॉम लिया हुआ है, डॉट को लिया हुआ है, ORG बाकी है। तो इस टाइप से क्या है कि आप पता कर सकते हो कि अभी ये जो नाम आप पसंद कर रहे हो ये नाम अच्छा है कि नहीं है। इस टाइप से दोस्तों आप पता कर सकते हो, उसके बाद अपने चैनल का नाम आप रख सकते हो। तो ये काफी बढ़िया मेथड है ना, क्योंकि आप क्या है कुछ भी लेके बना तो लोगे पर उसमें आपको परेशानी आएगी। दूसरी बात ये कि आपने ये नाम भी ले लिया है, इसके बाद क्या करना है आपको एक एक चीज और चेक कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा समय दोगे तो आपको क्या करना है, आपको गूगल पर चले आना है। और आपको क्या करना है, जैसे कि जो भी नाम है ना, मान लीजिए हम यहाँ पे गूगल पर चले आते हैं, और आपको सिंपल क्या कर देना है, जैसे आपने ये नाम ले लिया तो यहाँ पे डब्ल्यू 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 डॉट करके है ना, उसके बाद क्या करना है आपको यूट्यूब तो लिख ही लेना है, यूट्यूब है ना, जो मतलब यूट्यूब आपको लिख लेना है। और उसके बाद क्या करना है आपको स्लैश सी और स्लैश, उसके बाद जो भी आपने नाम अभी वाला पसंद किया है वो नाम को आपको यहाँ पे डाल देना और सर्च कर देना, उसके नाम से आपको पता चल जाएगा कि इस नाम से यूट्यूब अकाउंट है या नहीं है। बस आपको ये इतना याद रखना है ना, www.youtube.com/c/ मतलब ये करके, और आपको यहाँ पे सिंपल क्या कर देना है उसका नाम डाल देना है और आपको सर्च कर देना, तो आपको पता चल जाएगा कि उस नाम से अभी हाल मतलब यूट्यूब अकाउंट का जो URL है वो लिया हुआ है या नहीं है, या उस नाम से है कि नहीं है। और ज्यादातर आप क्या करना है, सबसे पहले आपको यूट्यूब पे सर्च कर लेना है वो नाम उस नाम से, कि जैसे जो भी नाम आपने पसंद किया उसके पीछे चैनल लिख देना है और आपको सर्च कर देना है। जैसे चैनल आप सर्च करते हो, जैसे आपने बोझलो नाम समझ लीजिए आपने ये नाम लिया है, उसके पीछे चैनल करके आपको सर्च करना है, पहले वो पता चल जाएगा सबसे पहली स्टेप। उसके बाद आप बाहर आना, आपको नाम पसंद करना, आप नाम पसंद कर लेना, उस नाम से आप यहाँ पे URL चेक कर लेना है, उसके नाम का URL कस्टम लिया हुआ है या नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों क्या है कि आप चैनल नाम पसंद कर सकते हो, यूनिक नेम डाल सकते हो, जिससे आपके यूट्यूब के चैनल ग्रो होगा है ना, क्योंकि कैची नेम अलग नाम होना चाहिए। एक जैसे नेम में क्या होता है कि वो उन्हीं को सर्च में लाता है एकदम से, जो यूनिक रहता है यूट्यूब उसको आगे बढ़ाता है। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहता हूँ, आपने अभी तक हमारे चैनल पर विजिट नहीं किया था विजिट कीजिए, यूट्यूब से रिलेटेड काफी बढ़िया वीडियो बनाई है मैंने है ना, आपसे हेल्पफुल बहुत सारी वीडियो मिलेगी तो आप वहाँ पर भी देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।